नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीवीआर रिकॉर्डिंग के बारे में कि डीवीआर रिकॉर्डिंग को कैसे सेट करें, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मेन मेनू में जा कर के रिकॉर्ड मोड पर जाना है। रिकॉर्ड मोड पर आप जैसे ही जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको एक फोल्डर मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड मोड का मतलब ही यही है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को किस मोड पर रखना चाहते हैं। आपको यहाँ मेनली तौर पर तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा शेड्यूल, सेकंड होगा आपका मैनुअल और थर्ड आपका होगा स्टॉप। फ्रेंड्स, अगर आप अपने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को या फिर किसी पर्टिकुलर कैमरे की रिकॉर्डिंग को बंद करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टॉप के सामने आप उस कैमरा नंबर पर टिक कर दीजिए, तो आपका वो कैमरा जो है रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। अगर आपको सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद करनी है, तो आप ऑल पर जा करके क्लिक कर दीजिए, तो आपकी सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। अब फ्रेंड, बचते हैं आपके सामने दो ऑप्शन, शेड्यूल्ड और मैनुअल। ओके फ्रेंड्स, मैनुअली का मतलब यही है कि अगर आप दो कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू करना चाहते हैं और दो की बंद करना चाहते हैं, तो ये सब आप जो चीज़ें हैं मैनुअल में आके मैनेज करते हैं। और शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड का मतलब होता है कि शेड्यूल द बेस्ट है, क्योंकि शेड्यूल रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं शेड्यूल के हिसाब से, यानी कि वो शेड्यूल जो कि हमने अरेंज किया है। किसी भी डीवीआर, कोई भी अपने पास डीवीआर है आपके पास, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है शेड्यूल्ड के लिए। शेड्यूल का मतलब आप समझ सकते हैं एक पैटर्न के हिसाब से कि हमारी रिकॉर्डिंग इस पैटर्न के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ऑलरेडी शेड्यूल्ड के अंदर, जिसके अंदर 60 मिनट का पैकेज होता है। फ्रेंड्स, शेड्यूल भी यहाँ पे दो तरह का होता है। एक शेड्यूल रिकॉर्ड वो होता है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट होता है। अगर डिफ़ॉल्ट के हिसाब से अगर रिकॉर्डिंग होगी तो 24 आवर्स होगी और आपके सातों दिन लगातार होगी, बिना रुके आपकी रिकॉर्डिंग होगी। दूसरा शेड्यूल होता है फ्रेंड, जिसे हम अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मंडे या ट्यूजडे की रिकॉर्डिंग ना हो, बाकी दिनों की रिकॉर्डिंग हो, तो ये सब चीज़ें हमें शेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग में जा करके इन सबको जो है मैनेज करना पड़ता है, इन्हें सेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो आपके सामने, जिसके अंदर कि आप अपने सीसीटीवी कैमराज की रिकॉर्डिंग को बंद भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास सीसीटीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।